स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर शहर के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों में झंडा फहराया गया। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने भी झंडा वंदन कर राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर इंदौर संभाग आयुक्त ने 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अधिकारियों और अपने कर्मचारियों का धन्यवाद किया और कहा कि हमने इस कोरोना महामारी के बीच भी डटकर कार्य किया है, शहर को हमेशा स्वच्छ रखा और आने वाले समय में भी हम कार्य के लिए प्रतिबंध रहेंगे। साथ ही कहा कि कोरोना के कारण इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष हर्ष और उल्लास नहीं दिखाई दे रहा है और हम इंदौर की जनता से अपील करते हैं कि घर पर ही रहें और स्वस्थ रहें और शासन प्रशासन का इस महामारी से लड़ने में अपना साथ दें। जिस तरह हम स्वच्छता में जीते हैं उसी तरह हम कोरोना से भी जंग जीत लेंगे। ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा, सभी मेरे एडिशनल कमिश्नर्स, नगर निगम परिवार के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना काल में शायद ये पहला कार्यक्रम है जो सार्वजनिक भी है, पर हर साल की तरह जिस जोश के साथ, जिस उमंग के साथ हम इसको मनाते थे, इस बार कोरोना की वजह से कुछ प्रतिबंध हैं, समस्याएं हैं और बीमारी बढ़ने का डर है। परंतु मैं आश्वस्त हूँ जीवन की ताकत, मानव जीवन की ताकत के प्रति, कि जिस तरह से लगभग 6 महीने से इंदौर शहर, मध्य प्रदेश और पूरा भारत इस कोरोना की लड़ाई से लड़ रहा है और जीत भी रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारी जो लेबोरेटरीज हैं, उन पर मेहनत कर रहे हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट का भी अपना एक प्रोग्राम चल रहा है। आज ही आया है कि हमारा फेज़ वन का जो कार्यक्रम था भारत की अपनी वैक्सीन का, वो सफल रहा है। हम फेज़ टू की तरफ बढ़ रहे हैं। समय लगेगा, परंतु हमारे जो आप समझ सकते हैं इलाज के जो मापदंड हैं वो लगभग सेट हो गए हैं। हमारे सभी अस्पताल गियर्ड अप हैं, तो जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच के साथ हम सोच सकते हैं। बहुत जल्दी हम इससे बाहर होंगे। पुनः उम्मीद करता हूँ कि 26 जनवरी का कार्यक्रम हम खुल के एक दूसरे के साथ मनाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और जीवन लगभग फिर से उस तर्ज पर चलने लगा है, उस रास्ते पर चलने लगा है। पर पूरा अभी खुल नहीं पा रहे हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमको करना है। सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसलिए बीमारी कम गति से बढ़ पा रही है और मृत्यु दर में बहुत गिरावट हम इंदौर में देख रहे हैं। हमारे सभी कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, सभी शासन के विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं बधाई दूंगा, अप्रैल के उस काल में जब स्थिति बहुत कठिन थी, तो हमारे सफाई कर्मचारी बंधु, जिन्हें मतलब बिल्कुल फ्रंट लाइन में एक भी दिन सफाई की नौबत, मतलब सफाई ना हुई हो ऐसा नहीं होने दिया, वो मेरे लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। नगर निगम के उस समय चूंकि लॉकडाउन पूरी तरह से था, लोगों को खाने की असुविधा ना हो, इसलिए खाने का वितरण तक नगर निगम ने अपने हाथ में लिया और बिना कोरोना से डरे मेहनत की, और जिसका परिणाम है आज हम अच्छी बेहतर स्थिति में हैं। नगर निगम के जो अपने कार्य के आयाम रहे होंगे, मैं मानता हूँ उसमें कुछ रुकावटें आई होंगी। अगर कोई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा तो उसकी गति थोड़ी कम हुई होगी, आय भी हमारी कम हुई होगी, समझ सकते हैं। कोरोना में लोगों की आय कम हुई होगी तो हमारी आय तो कम होगी, परंतु हम तैयार हैं, लड़ेंगे। और जिस तरह से हमारे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी पिछले 5-6 महीने से तत्पर खड़े हैं, उससे एक ताकत मिलती है, संबल मिलती है कि हम लोग साथ में रहेंगे और साथ में काम करेंगे, मेहनत करेंगे। मतलब मैं दिल से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अप्रैल मई का महीना नगर निगम ने सुदृढ़ता के साथ खड़े होके, समझ लीजिए 3 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने लड़े हैं, और एक भी दिन सफाई की अव्यवस्था हुई हो या हमारा कोई कर्मचारी डरा हो, ऐसी बात हमें सुनने में नहीं मिली।
मेरे आप लोगों में मेरा पूरा पूरा विश्वास है और हम लोग इस कोरोना काल से जल्दी बाहर आएंगे और आप लोगों के साथ मिलकर फिर अच्छे से दोबारा बैठक होगी और कार्यक्रम भी अच्छे होंगे। मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं आज इस स्वतंत्रता दिवस पर कि हम लोग अपने देश के प्रति इसी इसके साथ काम करते रहें मेहनत के साथ। और 20 तारीख को शायद स्वच्छता सर्वे का रिजल्ट आना है और मुझे आशा है उम्मीद है कि जैसे 3 बार आप पहले प्रथम आए हो और पूरी आपने मेहनत की है तो 20 तारीख को इंदौर फिर स्वच्छता में नंबर 1 आए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। परंतु ये अंत नहीं है, अंत इसलिए नहीं है कि एक बार फर्स्ट आना आसान है फिर दूसरी बार थोड़ा और कठिन और अब देश की उम्मीद है, प्रदेश की उम्मीद है, मेरी उम्मीद है, सभी नागरिकों की उम्मीद है, पत्रकार गणों की उम्मीद है। इसलिए मेहनत और करनी होगी कि इस कठिन काल में भी अगले 4 महीने हमारे लिए सामने हैं। पुनः जो सर्वे का काम तो खैर 1-2 महीने से मापदंड आ जाते हैं पर मूलतः दिसंबर महीने में उसका शुरू होगा सर्वे का काम। आप इसी सुदृढ़ता से लगे रहें और मुझे उम्मीद है कि 4थी बार तो हम प्रथम आएंगे और 5थी बार के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, नगर निगम आयुक्त, सभी एडिशनल कमिश्नर्स और मेरे साथी अधिकारी, सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।